चंदेरी थाना अंतर्गत ग्राम प्राणपुर में ग्रामवासी राशन की समस्या को लेकर सड़क पर उतर गए। बताया गया कि राशन संचालक की मनमानी के चलते लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। करीब दो महीने से ग्रामवासी इस समस्या से परेशान हैं, जिसे लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने लोगों की समस्याएं सुनी और समस्या के निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। तो आप प्रशासन ने क्या मांग कर हमें क्या है कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें राशन चाहिए, समय पे खुलना चाहिए सर। तो आज लोग परेशान हो गए यार, पूरा महीना निकल गया और राशन नहीं मिला। महीना निकल जाए तो उसमें राशन नहीं देते हैं। फिर अपने कह रहे थे कि महीना निकल गया, अब नहीं मिलेगा। और सर मुख्य समस्या ये है कि जिसके नाम कंट्रोल है वही बोल रहता है, वो कर्मचारी तो बोल देते हैं। हमको तो यही आदेश है, हमें तबाड़ना है बस। और उनके द्वारा बताया गया कि समय पर दुकान नहीं खोली जाती है और जो राशन दिया जाता है जितनी शासन द्वारा जो पात्रता अनुसार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो जो पात्रताएं हैं तो उसके संबंध में उन्होंने चक्का जाम किया था जिसको खुलवा दिया गया है। और फिर उनके लोगों के बयान भी ले लिए और आगे से उसको भी समझा दिया है सेल्समैन के लिए, यदि आगे से अनियमितता पाई जाती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी।